तो लोगों का एक ये माइंडसेट होता है कि आप शादी कर देते हैं तो मतलब ये एक ऑब्स्टेकल होता है। मैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। एमके फिजिक्स ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। इनका आरएस में सिलेक्शन हुआ है सर का, और इनकी और राजस्थान में 30वीं रैंक आई है। तो ये आपको बताएंगे कि लाइफ में कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है, कुछ भी बाधाएं नहीं है, सिर्फ मन की बाधाएं हैं। जिन दिमाग से इस चीज को हटाते हैं तो कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है। तो सर आपको बताएंगे कि उसको अचीव कर सकते हैं। देखिए, आप कह रहे हो इम्पोसिबल लाइट लाइट, तो जीवन में क्या है कि अगर कड़ी मेहनत करते हो, आप अनुशासित रहते हो, अपने प्रति ईमानदार रहते हो, करते हो, तो कोई भी चीज़ इम्पोसिबल नहीं है। जो भी एक इंसान जो कार्य कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो वो एक इंसान ही कर रहे हैं। आरएस बन रहे तो वो भी इंसान ही बन रहे हैं। तो जीवन में कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है, बशर्ते कि आप अनुशासन और कड़ी मेहनत और जुनून के साथ कोई कार्य कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप एक सिविल सर्विस के फील्ड के लिए हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, प्राइवेट बिजनेस हो, कोई आप खेती भी कर रहे हो, अगर उसमें भी ईमानदारी और मेहनत से नहीं कर रहे हो तो वहाँ भी आपको सक्सेस नहीं मिलती। तो चाहे किसी भी फील्ड के लिए आप मेहनत कर रहे हो, कड़ी मेहनत, जुनून और सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाते हुए अगर उसको करते हो तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा थोड़ा सा आप बताइए, जैसे आप ऑलरेडी मैरिड है, आपकी फैमिली है, उसके बाद भी आपने इस अचीवमेंट को लिया, जबकि आप ऑलरेडी एसआई के पोस्ट पे पर आप सर्विस कर रहे हैं, वो भी सीएमओ ऑफिस के अंदर। तो इस इतनी यानी इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किस तरह से लिया आपने? देखिए, पहली बात तो लोगों का एक ये माइंड सेट होता है कि आप शादी कर देते हैं तो मतलब ये एक ऑब्स्टेकल होता है। मैं तो ये मानता हूँ ऑब्स्टेकल नहीं, एक मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं। आपका जो जीवन साथी होता है उसका भी भाग्य आपसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो कहीं ना कहीं आप कंसंट्रेट होता है, वो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। क्योंकि सिविल सर्विस का एक ऐसा दौर है कि एक लंबा साल 1.5 साल का दौर होता है, उसमें कई फेज ऐसे आते हैं कि आपके पास नेगेटिविटी भी आती है। तो उस नेगेटिविटी में अगर अच्छा साथी आपके साथ है तो वो पॉजिटिविटी देता है, तो ये कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, ये सब कहने की बातें हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो नहीं। अब जैसे आप कह रहे हो कि मैं जॉब में हूँ और मेरी फैमिली भी है, तो आप व्यक्ति को क्या है कि 5-6 घंटे 7 घंटे अगर मिल रहे हैं उसको कंसंट्रेट आप पढ़ रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप कोई ये कह रहे हैं कि 12 घंटे पढ़ते हो, 13 घंटे। अगर आप 5-6 घंटे भी कड़ी मेहनत और कंसंट्रेट होकर पढ़ते हो तो वो सक्सेस दिलाती है, वो मैं आपके सामने। तो आज सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर ये हमारे पास आए, और इस तरह को बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए।